तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप बढ़िया से होंगे। तो फिर से आपके आपके YouTube चैनल बिजनेस आइडिया सीखो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप जो हमारा पूरा वीडियो देखे, पहले पुराना वाला वीडियो देखे, वो काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर से आपको एक नए बिजनेस आइडिया, नए बिजनेस की शुरुआत के लिए फिर से आपको एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को देर न करें इस वीडियो में, और जल्दी से मैटर पे आ जाएं कि क्या बिजनेस होने वाला है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका यूज़ हर घर में होता है, हर जगह होता है, आपको झुग्गी से लेकर झोपड़ी तक, जहां आदमी लोग रहते हैं, जहां इसका यूज़ होना ही होना है। बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या महिला हो, कोई भी हो, इस प्रोडक्ट का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो आज फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया जिसको सुन करके आप की किस्मत बदल जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, चप्पल बनाने की मशीन के बारे में। तो चप्पल का मशीन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो शुरुआत रेंज की मशीन होती है वो मैनुअल स्लीपर मेकिंग मशीन, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जो मैनुअल स्लीपर मेकिंग मशीन होती है दोस्तों, उसमें दो तीन टाइप की मशीन होती है। फर्स्ट में होती है एक स्प्रिंग वाली मशीन होती है मैनुअल मशीन में, एक होती है बेयरिंग वाली मशीन, एक बेयरिंग में ही हैवी ड्यूटी की मशीन होती है। वो आपको तीन तरह की मशीन होती है जो आपको मैनुअल स्लीपर मेकिंग मशीन, यानी आप हर तरह की हवाई चप्पल आप बना सकते हो। आप जैसा मार्केट में देखते होंगे कि बड़े बड़े ब्रांड जो भी मार्केट में बिक रहे हैं, उस तरह का चप्पल आप मात्र आप 15,000 रुपया की मशीन खरीद कर आप चालू कर सकते हैं उस तरह का बिजनेस। तो देर न करें, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा बिजनेस आइडिया समझ में आएगा चप्पल मशीन के बारे में, कि क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या प्रॉफिट होता है, सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो मशीन तो आपको बता दिया कि मशीन आपको तीन टाइप्स की होती है मैनुअल में। अब चलते हैं इसके रॉ मटेरियल के बारे में, जानते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल जो यूज होता है, ऐसा सीट यूज होता है। ये छोटा सीट है, इसी में आपको बड़ा बड़ा साइज का आपको सीट मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा और जहां से आप मशीन खरीदते हैं वहां भी मिल जाएगा आपको। तो सीट होता है इसमें, फिर डाई होता है, ऐसा डाई होता है। अब जिस साइज का, जैसे देखिए जेंट्स में 9 नंबर है, G9 जेंट्स में 9 नंबर। अब जितने साइज का डाई यूज करेंगे उतने साइज का आपको कटिंग होकर के चप्पल बनेगा। अब इसमें होता है आपको स्ट्रैप, इसको बोलते हैं स्ट्रैप या फीता, मार्केट में लोग इसको हर जगह अपने अपने एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको स्ट्रैप बोलते हैं, फीता बोलते हैं या बद्धी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग अपना उच्चारण है, भाषा का अपना अपना प्रयोग करके अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो ये तीन आइटम मिला करके आप चप्पल बना सकते हैं। अब हो गया एक चौथा आइटम है जो इस टाइप का स्टिकर, जो देखते होंगे कि आप बहुत सारा चप्पल में बना लगा हुआ रहता होगा इस तरह का स्टिकर। तो आप इस तरह का स्टिकर ही बनवा सकते हैं, इस पर आप अपना नाम भी छपवा सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। और इसमें अगर सीट में आप चाहते हैं कि आपके अपने नाम से प्रिंट हो, तो वो प्रिंट होकर के भी आपके नाम से ही मिल जाएगा, या तो आप प्रिंटिंग मशीन खरीद करके, जहां से मशीन खरीदेंगे वहां से कहीं फ्री में भी प्रिंटिंग मशीन मिलता है, वहां से आप मशीन खरीद के, आप वहां से प्रिंटिंग मशीन खरीद के आप प्रिंट अपने नाम का ब्रांड बना सकते हैं, जैसे जो नाम आपको इसमें डालना हो। अब चप्पल देखिए, ऐसा सीट होता है, ऐसा आप डाई रखेंगे, और डाई रखने के बाद आपको कटिंग मशीन से जब प्रेस होगा तो ये आपको कट के ऐसा हो जाएगा तैयार। अब इसमें आप कटिंग होने के बाद इसमें सब, अब दूसरा मशीन का जो कटिंग, सोल कटिंग मशीन के साथ में जो यूज होता है, सबसे पहले इसमें सोल कटिंग मशीन आता है, जो आपको बताया स्प्रिंग बेयरिंग। तो सोल कटिंग मशीन के साथ में ड्रिलर ग्राइंडर यूज होता है, ड्रिलर ग्राइंडर मशीन। तो ड्रिलर ग्राइंडर का मशीन का जो यूज होता है दोस्तों, ये आपको ग्राइंडर का मशीन का यूज होता है चिकना करने के लिए। जैसे आप कटिंग करेंगे तो आपको प्लेन चिकना नहीं होगा इस तरह से चिकना, तो आप चिकना करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। और जब इसमें बद्धी लगाना होगा इस तरह का, तो आप इसमें देखिए, इसमें छेद करना होता है, ये छेद करना होता है, तो ड्रिल मशीन से छेद होता है। तो ड्रिलर ग्राइंडर आपको एक ही में मिल जाएगा। तीसरा में मिलता है स्ट्रैप इंसर्टिंग मशीन, यानी फीता लगाने की मशीन। तो मैनुअल मशीन में जो जनरली लोग कंपनी वाले जो फीता लगाने वाली मशीन देते हैं, वो आपको टेबल वाली देते हैं। तो टेबल वाली मदद से आप इस तरह से आप फीता लगाकर आप संपूर्ण चप्पल तैयार कर सकते हैं।
तो चप्पल जब तैयार हो जाएगा तो होता है कि अब इसको सेल कैसे करना है। आपको मशीन के बारे में बता दिया, मशीन के साथ में क्या क्या सामान मिलता है वो बता दिया, रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया, अब आपको बताने जा रहे हैं इसको सेल के बारे में। तो सेल करने के लिए बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो कंपनी वाले भी देते हैं, मैं भी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सेल करने के लिए या तो इसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारा साइट है जहाँ पे चप्पलें बिकती है, या तो आप इसको ऑफलाइन में हर दुकान में जा करके आप सेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा जगह है जहाँ कंपनी वाले आपको बताएंगे कि कहाँ सेल होता है। ये हो गया, अब इसको सेल कैसे करना, चप्पल तो आपका तैयार हो गया तो सेल कैसे करेंगे। तो सेल आपको देखिए ब्रांड बनाने के लिए जैसे मार्केट में जैसा चप्पल बिकता है वैसा बनाने के लिए आपको एक डब्बा की जरूरत पड़ेगी, बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बॉक्स आपको अपने नाम से प्रिंट करवाना है तो वो भी प्रिंट हो जाता है, अदरवाइज आप चाहते हैं कि जनरल डब्बा मार्केट से खरीद लें उस पर अपना स्टीकर, एक सस्ता में काम जब करना है तो स्टीकर आपको चिपकाना होगा, तो स्टीकर मार्केट में बनवा लीजिए, 1-1.5 रुपये का स्टीकर बन जाएगा, वो स्टीकर चिपका के भी आप काम चालू कर सकते हैं कम बजट वालों के लिए। जिनके पास ज्यादा पैसा हो तो अपना ब्रांड बना करके डायरेक्ट बॉक्स को प्रिंटिंग करवाते हैं। तो ये हो गया आपको कैसे सेल करना, सेल आपको बॉक्स में सेल करेंगे तो आपका ब्रांड लेवल वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका चप्पल की क्वालिटी बढ़ जाएगा। और इसमें प्रिंटिंग मशीन के बारे में आपको बता ही दिया, अब इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। प्रॉफिट जैसे मैनुअल स्लीपर मशीन आप कहीं से भी खरीदते हैं तो आपको लगभग एक दिन में लगभग 200 से 300 जोड़ी आप हाथ से बना सकते हैं। अगर आप मान के चलो कि आपका चप्पल अगर 25 से 28 रुपये में आपका ऐसा चप्पल तैयार हो जा रहा है तो मार्केट में इसको 35-40 रुपये में आराम से बेच सकते हो, जो कि आप मार्केट में खरीदने जाते होंगे तो ऐसा चप्पल 90-100 से कम में नहीं बिकता है। तो अब 40 रुपये में भी आप बेचते हो तो लगभग 5 से 10 रुपये की मार्जिन है। मैं मिनिमम अगर 5 रुपये भी मार्जिन लेकर के चलूं तो आप दिन भर में अगर 200 जोड़ा बना रहे हो चप्पल मिनिमम, ऐसे 300 जोड़ा भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फास्ट काम कर रहे हो। तो अगर 200 जोड़ा ही बना रहे हो तो एक दिन में आप 1,000 रुपया कमा सकते हो 8 घंटा में काम करके, तो 1,000 रुपये प्रतिदिन यानी महीने का 30,000 रुपया कमा सकते हो। तो आप समझ लो कि आप 15,000 की मशीन लगा करके आप 30,000 रुपया कमाना है, यानी 15 दिन में आपको मशीन का पैसा वापस हो जाएगा। तो देर ना करें, आप अगर आप बेरोजगार हैं, इस तरह से बेरोजगारी में आप जूझ रहे हैं कि मतलब बेरोजगार हैं हम, कुछ क्या करें यार, क्या नहीं करें, कैसे वो करें, तो अब डरिए नहीं, आप काम करिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कीजिए, स्टार्टअप करिएगा तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलता चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, अगर कोई जानकारी इसमें रह गया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जानकारी के लिए क्वेश्चन जरूर कीजिएगा ताकि हम उसको आंसर दे सकें। और तब तक के लिए आपको फिर नए वीडियो में फिर आपको स्लीपर मेकिंग मशीन का दूसरा मॉडल जो इससे हाई लेवल की मशीन होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।